प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग जिस प्यार सने से मेरे प्रोग्राम को, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसी प्रकार आप लोग सने प्यार देते रहिए। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको कुंडली के बारे में, ग्रहों के बारे में वीडियो अपने प्रोग्राम के माध्यम से पूर्ण जानकारी दूं। मेरा प्रयास एक और भी है कि आप लोग खुद अपनी कुंडली देख लें, किसी के पास भटकने की जरूरत न पड़े। आप लोग जिस तरीके से मेरे प्रोग्राम को देखकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहिए। मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। फिर भी आप लोग के सहयोग के लिए मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है, 111। दोस्तों, एक अनुरोध और भी है कि आप लोग जब भी मुझसे फ़ोन करिए, मेरे वीडियो से संबंधित प्रश्न करिए। अगर आप लोगों को अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण, विशेष जानकारी लेना है, तो उसके लिए आप लोग संपर्क करिए, मैं अलग से मोबाइल नंबर दूंगा और आपको कुछ सहयोग भी करना पड़ेगा। बहुत से मित्रों का आज अनुरोध हुआ है, मैं वो आप लोग की बात को मानते हुए, अगर आपके राशि में केतु हो तो क्या प्रभाव देता है। बहुत अच्छी बात है, केतु के बारे में बहुत भ्रम है, बहुत लोगों को बुराइयां हैं केतु के बारे में। मैं आपको मेष राशि से मीन राशि तक, अगर आपके राशि में केतु है तो क्या फल, क्या प्रभाव देगा, किस टाइप से आपको उनको लाभ हानि देगा, इस वीडियो को देखिए। जिस व्यक्ति का मेष राशि है उसमें केतु अगर बैठा है तो ऐसे लोग का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं बन, विलंब कर पारिवारिक सुख में बाधा देता है, मानसिक तनाव देता है, स्वास्थ्य में गड़बड़ी लाता है, सोच गंदी बनाता है। जिस व्यक्ति का वृषभ राशि है उसमें अगर केतु बैठा हुआ है तो अच्छे धन प्राप्त करते हुए भी धन का अपव्यय कर बैठते हैं, गलत धन खर्च कर देते हैं, जिसके कारण कभी कभी आर्थिक तनाव में आ जाते हैं। केतु वृषभ राशि वालों के लिए धन को खर्च करवाता है, नहीं कि धन कमाने में कोई दिक्कत लाता है। मिथुन राशि में अगर केतु है दोस्तों, ये अच्छा नहीं है। मिथुन राशि में केतु नीच भाव का हो जाता है। मिथुन राशि कुटुंब घर है। जिस व्यक्ति के मिथुन राशि में केतु बैठा हुआ, उसको माता पिता से, भाई बंधुओं से विवाद कराता है, केस मुकदमा लड़ा लेता है, माता पिता के विचारों में मतभेद कराता है, माता पिता से भाई बंधुओं से दूरी कराता है। जिस व्यक्ति का कर्क राशि है उसमें केतु बैठा हुआ है दोस्तों, चरित्र को गिराता है, गंदी आदत पकड़ाता है, नशा पानी कराता है और झूठ बोलवाता है। जिस व्यक्ति का सिंह राशि है उसमें केतु बैठा हुआ है दोस्तों, क्या बात है, बहुत अच्छा शिक्षा दिलाता है, बहुत अच्छा विचार बनाता है, ऐसे लोग के संतान भी योग्य होते हैं और उच्च पद की, उच्च योग्यता दिलाता है, उच्च पद की प्राप्ति कराता है, ऐसे लोग बहुत अर्ली, बहुत कम उम्र में पैरों पर खड़ा हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का कन्या राशि है उसमें अगर केतु बैठा हुआ है दोस्तों, ये शत्रुओं पर विजय कराता है, मानसिक पीड़ा जरूर देता है मगर केस मुकदमा में विजय कराता है, शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। जिस व्यक्ति का तुला राशि है उसमें अगर केतु बैठा हुआ है, महिला है तो पति से, पुरुष है तो पत्नी से, इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहता है, विवादाग्रस्त रहता है। कुंवारे लड़का लड़की हैं तो शादी में रुकावट लाता है, विलंब से शादी होता है और मानसिक पीड़ा देता है।
जिस व्यक्ति जो व्यक्ति वृश्चिक राशि का है उसमें अगर केतु बैठा हुआ है दोस्तों, कफ संबंधी बीमारी देता है, डायबिटीज देता है, लीवर संबंधी बीमारी देता है, आंख संबंधी बीमारी देता है और कभी कभी दुर्घटना भी कराता है। जिस व्यक्ति का धनु राशि है उसमें अगर केतु बैठा हुआ दोस्तों, क्या बात है, धनु राशि में केतु उच्च भाव का हो जाता है, ये जीवन को पूर्ण सफलता, जीवन में पूर्ण सफलता देता है, अच्छे पद की प्राप्ति कराता है, दूर दूर तक इज्जत प्रतिष्ठा फैलाता है। अगर राजनीति में है तो राजनीति में सफलता देता है, कलाकार बनाता है, संगीतकार बनाता है। जिस व्यक्ति का मकर राशि है उनके राशि में, मकर राशि में अगर केतु बैठा हुआ है तो दोस्तों ये शेयर बाजार जुआ सट्टा भी खिला देता है, कर्जदार भी बना देता है, व्यापारी हैं तो लाखों करोड़ों का कर्जा भी करवा देता है। जिस व्यक्ति का कुंभ राशि है उसमें अगर केतु बैठा हुआ है तो ऐसे लोग सरकार से दुश्मनी देते हैं, सरकार से दंडित होते हैं, अनेकों व्यापार बदलते हैं, अनेकों नौकरी बदलते हैं, जीवन में स्थिरता नहीं आती है, मानसिक पीड़ा में रहते हैं और अधिकांश जीवन का समय संघर्ष में ही व्यतीत होता है। जिस व्यक्ति का मीन राशि है उसमें अगर केतु बैठा हुआ है दोस्तों, ये विदेश ले जाता है, विदेश से धन कमवाता है। ऐसे लोग धातु से, जमीन से, केमिकल से अच्छे धन की प्राप्ति करते हैं। अगर सरकारी नौकरी में हैं तो छोटे से पद से उच्च पद की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग किसी गुप्त विद्या के ज्ञाता भी होते हैं और अपने कला के द्वारा समाज में पूजे जाते हैं। दोस्तों आपके राशि में केतु क्या फल क्या प्रभाव देता है ये मैं छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया। आप लोग इसका अध्ययन करिए, इसको देखिए और इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क करिए। मेरा प्रयास रहेगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। इतना करते हुए वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार।